के बाद जो आपने इस्तीफा दिया था वो कारण बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस आए, जैसे कि आप कायम थे अपने उस डिसीजन पर कि गैरसैंण को आप राजधानी बनाना चाहते थे, देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी कुछ रहा, तो क्या कुछ लोगों के तो इतने कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहें? पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है और कई नेताओं पर रूमर्स की बात कर रही हूँ, जैसे सर आप बताना है था या नहीं था, कि आरोप भी लगाए हैं और जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या रूमर्स जैसे ऐसे विधानसभा चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आपने चिट्ठी भी लिखी थी, जबकि डोईवाला सीट से आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार जीत हासिल की है, क्या कारण था कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? इस वक्त तो काफी क्राउड मेरे आसपास है, मैं भी थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि आज जो मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं मेरे साथ कौन मौजूद है। आज मेरे साथ मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन हाँ उसी की कतार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम मौजूद है, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर 4 साल पूरे किए हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार फिर से बहुमत के साथ उत्तराखंड में आई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका। और उत्तराखंड में एक मिथ टूटा है और एक नया इतिहास गढ़ा है भाजपा ने, अपने कामों के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से और अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने जो इतना बड़ा फैसला लिया, ये राज्य हित को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि 5 साल का समय ये कम भी नहीं होता लेकिन पर्याप्त भी नहीं होता, और 10 साल का समय लगातार उत्तराखंड की जनता ने दिया है। अब सरकार के सामने चुनौती भी है और मुझे पूरा विश्वास है इन 5 सालों में, जो पिछले 5 सालों में जो काम प्रारंभ हुए उनके व्यापक परिणाम राज्य हित में सामने आएंगे। जिस तरीके से सर पिछले सत्र में देखा गया था कि 70 में से 57 सीट भाजपा ने हासिल करी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 10 सीट गिरी है, 47 सीट आई है, कहाँ कमी रही थी जो 10 सीट नहीं मिली है इस बार? नहीं देखिए, कमी नहीं है, जनता कई बार जनता का जो मन होता है और कई बार इक्वेशंस में भी सीटें घटती बढ़ती हैं, इक्वेशंस में भी घटती बढ़ती हैं, लेकिन जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है एक बहुत बड़ा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तराखंड की जनता का, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फिर अपना अगाध प्रेम लुटाया है। आप बहुत चाहने वाले मुख्यमंत्री आप माने जाते हैं, मैंने अभी भी अपने दर्शकों को बताया कि कहीं ना कहीं आप उस कतार में हैं कि मुख्यमंत्री पद पर आपने 4 साल पूरे करे। सर 4 साल पूरे करने के बाद जो आपने इस्तीफा दिया था वो कारण बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस आए, जैसे कि आप कायम थे अपने उस डिसीजन पर कि गैरसैण को आप राजधानी बनाना चाहते थे, देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी कुछ रहा, तो क्या कुछ लोगों के तो इतने कयास लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि गैरसैण तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बन ही चुकी है, उसके तमाम जो अधिसूचना होती है, जो अधिसूचित किया जाता है, वो सब कुछ हो चुका है। और जहाँ तक देवस्थानम बोर्ड की बात है, तो कहते हैं एक बार नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्ध ना करणीयम ना चरणीयम, ये लोकतंत्र की कहना चाहिए कि महिमा है, कई बार हम कोई निर्णय लेते हैं हमको वापस भी लेना पड़ता है। और इस तरह के कई ऐसे घटनाएँ हैं देश के लोकतंत्र के इतिहास में कि ऐसा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत था, कई बार लोग समझने में थोड़ा समय लगता है और एक जन विरोध होता है जन, तो उसका सम्मान लोकतंत्र में किया जाता है, वही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने जनता का किया है। माई क्वेश्चन वाज कि आपने इस्तीफा 4 साल होने के बाद, लोगों की इतनी चाह आपके लिए बन चुकी थी, 4 साल इस्तीफा देने का क्या कारण था? नहीं देखिए, ये बातें अब बीते काल की हो गई हैं, इन पर बात करने से अब कोई लाभ नहीं है, तो उन चीज़ों पर बातचीत की जाए कि जिनसे कोई फ़ायदा होने वाला है, जनता का फायदा होने वाला है, देश का फायदा होने वाला है, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए लाभ वाली बातें ही कर लेते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आपने चिट्ठी भी लिखी थी, जबकि डोईवाला सीट से आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार जीत हासिल की है, क्या कारण था कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे? नहीं, मुझे लगा कि मुझे पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में काम करना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए, ऐसा
बहुत कम होता है जब स्वेच्छा से ऐसा किया जाता है। और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि नए लोगों को भी मौका मिलते रहना चाहिए। कुर्सी पर चिपकने का शौक अच्छा नहीं है। अभी आपने लाभ की बात कही है तो मैं लाभ की बात ही बता देती हूँ। आज बहुत सारे लोगों के बीच में आप मौजूद हैं। जब मैं PW गेस्ट हाउस में एंटर किया तो मुझे लोगों ने कहा कि आपको भी सूचना थी। इसका मतलब ये क्या था कि आज किसी को भी सूचना नहीं है कि आप आज यहाँ रहें? क्या कारण था आने के? मैं गाँव में एक कुछ मछली पालक हैं, एक ग्रोथ सेंटर का कॉन्सेप्ट मैंने राज्य में लाया था और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं उस ग्रोथ सेंटर को देख कर आऊँ। ये गांव है थीत की और वहाँ पर एक मत्स्य पालक सहकारी समिति है, वो उसको संचालित करती है। अच्छा। और बहुत अच्छा ग्रोथ सेंटर मछली का वहाँ पर बना है। तो ये हुआ कि चलो चलते हुए रुड़की में थोड़ी देर कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना हो जाए तो अच्छा है। ये कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर से मीटिंग रखी गई अपने लोगों से मिलने के लिए। चलिए, रूमर्स पर तो हम सभी बिलीव करते हैं, आप भी बिलीव करते होंगे कि बहुत सारे रूमर्स होते हैं, उड़ते हैं, लेकिन मैंने भी ऐसे रूमर्स सुने थे कि आपने ये कहा था कि पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ है और कई नेताओं पर, रूमर्स की बात कर रही हूँ जस सर, आप बताना है था या नहीं था, कि आरोप भी लगाए हैं और जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या रूमर्स जैसे ऐसे उड़े थे वो सही थे? नहीं, देखा, हमने कभी ऐसी बात नहीं कही है। देखो, पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद, जीती सीटों पर या हारी हुई सीटों पर समीक्षा करते हैं। वो हमारी पार्टी की कार्य पद्धति का एक हिस्सा है, हमारी पार्टी की एक परंपरा है और उसमें कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाती है और जो टीम वहाँ पर जाती है वो उससे पार्टी नेतृत्व को अवगत कराती है। तो ये कहना कि भीतरघात हुआ है, अभी बातें चलती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल जो पोजिशन है वो जो वहाँ पर समीक्षा के लिए जो लोग जाते हैं वही सही स्थिति बता सकते हैं। और दूसरे को दोष देना बड़ा सरल होता है। अब जीतना तो 70 नहीं है, ठीक है, वो एक ही पार्टी के जीते हैं या अलग अलग पार्टियों के जीते हैं, इसका मतलब बाकी सब इसलिए हारे हैं कि विश्वासघात हुआ है। नहीं तो सबको जीतना चाहिए, 625 लोग खड़े थे, 625 को जीतना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? कई बार हम अपनी जो कमी है ना वो दूसरे पर उड़ेल देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। चुनाव के बाद विधायकों को और मंत्रियों को मंत्रालय भी बढ़ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि पार्टी आप पर विश्वास जताकर, विश्वसनीय इंसान आप रहे हैं पार्टी के अंदर, की कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी आपको? देखो, मैं निरपेक्ष भाव से काम करता हूँ, मैंने कभी कोई अपेक्षा पार्टी से नहीं की है। पार्टी जो दायित्व तो देती है उसका निर्वहन करती है। जाते जाते रुड़की हब के माध्यम से आप कितने चाहने वाले आपके आसपास बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सब जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं या जो आपके माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी जीत उत्तराखंड में हासिल हुई है। उसके लिए सब कार्यकर्ता हमारे बधाई के पात्र हैं और सारी जनता धन्यवाद का पात्र है। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने अभी स्पष्ट कर दिया है जितने भी रूमर्स या कुछ कयास लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह ने ऐसा बयान दिया है या वैसा बयान दिया है। अब सभी दर्शकों को आपको सुनकर पता चल गया होगा, वहीं मैंने कहा कि रूमर्स तो सबके लिए उड़ते हैं। धन्यवाद।